यो गाइस, मेरा नाम दी हॉलो मैन नहीं है। तो 2019 की मैंने अबव दी शेडोज नाम की एक मूवी देखी, जो कि काफी यूनिक स्टोरी वाली फील गुड टाइप की अच्छी मूवी है अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ देखने के लिए, अगर हो तो। वरना सिंगल हो तो मेरी तरह अकेले बैठ के भी देख सकते हो। मूवी की शुरुआत एक हॉली नाम की लड़की से होती है, जो अपनी स्टोरी नरेट कर रही होती है कि कैसे वो एक इनविजिबल गर्ल बनी, जिसे कोई देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता, बट वो कोई गोस्ट यानी भूत नहीं है। वो अपनी बैक स्टोरी बताती है कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, जिसमें उसकी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है, और वो एक मिडल चाइल्ड है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली उसे ज़्यादा अटेंशन और टाइम नहीं देती। बट उसकी विक्टोरिया नाम की माँ होती है, जो उसे एंकरेज करती है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, और फैमिली में अकेली वो होती है जो हॉली की बात सुनती है। अब मूवी के स्टार्ट में अनफॉर्चुनेटली विक्टोरिया की मौत हो जाती है कैंसर की वजह से, जिसकी वजह से हॉली पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो उसे स्पेशल फील कराया करती थी, उसकी सुना करती थी, और जिसकी वजह से वो फैमिली में अच्छे से रह पा रही थी। फिर उसकी माँ की मौत के बाद हॉली जो है वो धीरे धीरे फेड अवे होना चालू हो जाती है, यानी गायब होना चालू हो जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो पूरी तरह गायब हो जाती है और उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी फैमिली में वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। यानी हॉली दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद टाइम जंप होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉली अब बड़ी हो चुकी है और उसके पास जो इनविजिबिलिटी की पावर्स है उसके साथ कैसे जीना है वो अच्छे से सीख चुकी है, जहाँ पे अब वो एक अपार्टमेंट में रहती है जिसका वो रेंट भी देती है एनोनिमसली, और उसने दरवाजे के बाहर बोर्ड मारा हुआ है लीव द ऑर्डर आउटसाइड, ताकि उसे डिलीवरी वालों से बात भी ना करनी पड़े। इसके अलावा हॉली पेपराजी का जॉब भी करती है, जहाँ पे वो बार के VIP एरिया में जाके सेलिब्रिटी की स्कैंडेलियस फोटो खींचती है और अखबार वालों को एनोनिमसली बेच देती है। और इन सबके बीच में हॉली अपनी फैमिली के घर भी जाती है उन्हें देखने के लिए, भले ही वो इनविजिबल है और उसे कोई देख नहीं सकता। अब इनविजिबल होने के अपने काफी फायदे हैं कि जैसे आप कहीं पे भी जा सकते हो, बिना कपड़ों के कहीं पे घूम सकते हो और किसी का भी कुछ भी देख सकते हो, लेकिन इन सब के साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी आता है कि आप किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। आप अपना दुख या फिर अपना सुख, अपनी खुशी किसी के साथ बांट नहीं सकते, और यही चीज़ की वजह से हॉली काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। फिर एक रात हॉली अपना काम करने के लिए एक बार में जाती है, जहाँ पे वो एक कपल की फ़ोटो जैसे ही खींचने वाली होती है कि पीछे से एक बाउंसर आता है और उसे पकड़ के बाहर कर देता है इलीगली फ़ोटो खींचने के लिए। हॉली ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है कि उसे कोई नोटिस कर सकता है। उसके मन में चारों सवाल होते हैं, लेकिन वो बाउंसर उसे इग्नोर करके बार के अंदर चले जाता है। फिर बाद में हॉली घर जाती है और पता लगाना चालू कर देती है कि वो बंदा कौन था, और उसे पता चलता है कि वो असल में एक शेन नाम का MMA वर्ल्ड चैंपियन फाइटर है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जुलियाना को चीट करते वक्त पकड़ा गया था, और उसकी चीटिंग वाली फोटो असल में हॉली ने ही खींची थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, और प्रेशर की वजह से वो एक चैंपियनशिप मैच हार जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा MMA करियर खत्म हो जाता है। अब भले ही ये चीज में हॉली की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे काफी बुरा लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो बार में वापस जाती है शेन से मिलने के लिए। फिर वहां पहुंचने के बाद हॉली उससे माफी मांगती है कि उसी की फोटो की वजह से उसका करियर खत्म हुआ है, और उसे बताने की कोशिश करती है कि वो असल में इनविजिबल है, बट शेन उसकी बात पे पहले विश्वास नहीं करता। फिर हॉली 5 मिनट मांगती है उसे प्रूफ करवाने के लिए कि वो सच में इनविजिबल है दूसरे लोगों के लिए, और जैसे ना तैसे करके वो उसे प्रूफ करवा भी देती है। फिर उसे प्रूफ करवाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर देते हैं, जहाँ पे अब हॉली को ऐसा लगता है कि वो और शेन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर वो शेन की हेल्प करेगी उसका करियर वापस रीबिल्ड कराने में, उसे वापस पॉपुलर बनाने में, तो शायद उसके ऊपर जो इनविजिबिलिटी का कर्ज है वो खत्म हो जाए। अब वो उसका करियर वापस बनाने में उसे कैसे मदद करती है, और एंड तक वो उसे पॉपुलर बना के क्या वो अपने ऊपर जो इनविजिबिलिटी का कर्ज है उसे तोड़ पाती है या नहीं, वो जानने के लिए तो मूवी देखो, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। ओवरऑल फिल्म एक अच्छी खासी लाइट हार्टेड इमोशनल मूवी है, जो कि एंड तक आते आते आपको एक अच्छा खासा मैसेज देके जाती है। तो बस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपनी क्रश के साथ। अगर आपको एक रोम कॉम टाइप की फील गुड टाइप की मूवी देखनी है, जिसे देखने के बाद आपका मूड एकदम ही फ्रेश हो जाए, तो 2019 की अबव द शेडो फिल्म चेकआउट करो, काफ़ी बड़ी ऑप्शन है। बाकी इसी तरह के और अच्छे मूवीज़ और सीरीज़ के रिकमेंडेशन वाली वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मेरा गोल है कि इस मंथ की एंड में मेरे को 1000 सब्सक्राइबर कराने हैं। मेरे को पता है आप कर दोगे आसानी से, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, और चैनल की कोई रैंडम वीडियो देखनी हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।